दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे आसपास आए दिन कई घटनाएं घटती रहती हैं और कई बार तो इनमें से कुछ को देखकर आंखों पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास आज के दौर में तेज तरार इंटरनेट के साथ साथ सोशल मीडिया भी मौजूद है, जो कि कैमरे में कैद होने वाली कुछ मजेदार मजाकिया घटनाओं को हमारे तक बस कुछ ही क्लिक्स में पहुंचा देता है। और कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज और मजेदार वीडियो क्लिप्स आज हम आपको दिखाने वाले हैं। और आज की वीडियो इतनी ज्यादा मजेदार होगी कि दोस्तों, आपका मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी के करते हैं शुरू वीडियो। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं ना कि हमेशा कूल बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे कूल बनकर रह जाते हैं। और कुछ ऐसा ही इस बंदे के साथ भी हुआ, जो कि भाई साहब अपने घर के बाहर खड़ा होकर बाहर पड़े कूड़ेदान में कूड़ा फेंकते वक्त भी बहुत ज्यादा कूल बन रहा था। लेकिन फिर बेचारे का इसी बीच अच्छा पोपट कट गया, क्योंकि महाशय से अपने घर का कूड़ा तो कूड़ेदान में फेंका नहीं गया और अब इसे ही ये पूरा खुद ही साफ करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, दाढ़ी को खुजाते हुए कहाँ जा रहे हो? अब जरा घर के बाहर की साफ सफाई तो कर लो। अब दोस्तों, ज्यादा देर तक गेम खेलने से हर किसी के घर वाले रुकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं सुधरते और अपना पूरा खाली समय फोन पर ही ऑनलाइन गेम खेलने में निकाल देते हैं। और दोस्तों, कुछ ऐसा इस बच्चे के साथ भी हुआ। सुनने में आया कि बच्चा हद से ज्यादा ऑनलाइन गेम खेला करता था, जिसकी वजह से इसका ये हाल हुआ और अब ये हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ भी गेम्स की दुनिया में खोया हुआ है, क्योंकि इसके दिमाग पर किसी गेम ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। और शायद इस लड़के को भी नहीं मालूम कि ये खुद क्या कर रहा है, क्योंकि दोस्तों, उसकी खुद की सिट्टी बिट्टी गुल हो चुकी है। अब भगवान ही जाने ये बच्चा पहले जैसा नॉर्मल हो सकेगा या फिर नहीं। खैर दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके ये बताइए, ये बच्चा अपने ख्वाबों में कौन सी गेम खेल रहा है। अब साथियों, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि आखिर बच्चे स्कूल में क्या करने जाते हैं? शायद अब आप हमें मन में गालियां निकाल रहे हो या कह रहे हो कि अबे साले, बच्चे स्कूल पढ़ने तो जाते हैं और क्या करने जाते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि जहां तक बात रही सरकारी स्कूलों की, यहां पर तो इन मैडम की तरह टीचर सुनने आते हैं। खैर दोस्तों, अब तक सरकारी स्कूलों में टीचरों को फोन पर चटियाते बतियाते तो कई बार देखा होगा, लेकिन ऐसा नजारा इस जन्म में देखने को मिल पाएगा ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन खैर, अरे ओ मैडम जी, अगर नींद खुल गई हो तो तनिक ऊपर की ओर देखो, कैमरा आपकी ये हरकत रिकॉर्ड कर रहा है। और वैसे भी अगर ये मासूम बच्चे ये बात किसी से कहते तो उनकी बात पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। वैसे साथियों, आपके ऐसी टीचर पर क्या विचार हैं? अब साथियों, आज के दौर में लोग मोबाइल फोन में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनके आसपास क्या चल रहा है उनको मालूम ही नहीं होता, और इसी के चलते कई बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, और इसी मोबाइल फोन के चलते कईयों का बेड़ा गर्क भी हो जाता है। और फिर दोस्तों, कुछ ऐसा ही इस पर्सन के साथ ही हुआ, जो कि अपने स्कूटर पर बैठकर काफी देर से अपने मोबाइल फोन में नजरें गड़ाए हुए था। लेकिन तभी वहां पर एक कुत्ता आया और चुपके से इनका सैंडल लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया और इन भाई साहब को मालूम भी नहीं पड़ा। दोस्तों, अब तो आपने देख लिया कि ज्यादा फोन चलाने की साइड इफेक्ट क्या होते हैं, और बाद में जनाब काफी देर तक अपने सैंडल को ढूंढते रहे, लेकिन उनका सैंडल उन्हें कहीं नहीं मिला। आखिरकार महाशय को एक सैंडल के साथ ही घर जाना पड़ा। अब साथियों, कई बिल्डिंग काफी ज्यादा लाजवाब होती है, जिन्हें देखकर हमारे मुंह से ये निकलता है कि वाह यार, किस आदमी ने इसे बनाया होगा। लेकिन दोस्तों, इसी के उलट कुछ नमूने कारीगर ऐसी ऐसी महान हस्तियां भी बना देते हैं, जिन्हें देखकर तो भैया उल्टी आ जाए। जी हाँ साथियों, क्योंकि अब आपका ये वीडियो क्लिप देखकर पूरी तरह से मन खराब हो जाएगा और जी करेगा पूरा दिन इस गेट को बनाने वाले कारीगर को गाली देता रहूं, क्योंकि भाई साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है। अरे जनाब ने तो स्लाइड वाले गेट में ही वैसा लॉक लगा दिया जैसे नॉर्मल गेट्स में होता है। और फिर जब ये घर वाले कहीं जाने लगे और अपने गेट पर लॉक लगाने लगे, तब जाकर उन्होंने बात नोटिस की
अरे भाई ये बंदा उस वक्त पता नहीं कौन सी जिंदगी कौन सी दुनिया में जी रहा होगा। अब दोस्तों इंसानों के साथ साथ जानवर भी काफी ज्यादा नटखट स्वभाव के होते हैं। कई बार तो ये ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि हर व्यक्ति देखकर हैरान हो जाता है। और ये कुत्ते की हरकतें भी कुछ ऐसी है जैसे ट्रामपोलिन में कूदना बड़ा पसंद है और यहाँ इन बच्चों के साथ देखे तो सही कैसे खुशी से झूम रहा है, उछल कूद कर रहा है। शायद इसे ऐसा करने में बड़ा मजा आता है। वाह यार डॉग मियां असली मजे तो तुम उठा रहे हो। देखिए दोस्तों इंसान से घर तो जिंदगी में एक ही बार बनता है, इसलिए आदमी अपने पूरे पैसों के साथ जी जान लगा देता है घर बनाने में। और कई बार तो मालिक खुद जुगाड़ू होता है, पूरी जिंदगी काम में आने वाला जुगाड़ इन जनाब ने अपने घर में बनवा डाला। जिनके पास शायद जगह कम थी इसलिए इन्होंने अपनी कोई खाली स्पेस के बारे में सोचा। और सीढ़ियों के नीचे तो आपको मालूम है कि स्पेस कितनी ज्यादा रहती है, लेकिन जनाब ने उसे ही अपने काम में लिया और उसे अपना पार्किंग एरिया बना लिया। वाह भाई क्या बात है। अब दोस्तों इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपनी गाड़ी भी सुरक्षित खड़ी करते हैं और वो भी बहुत ही कम समय में। अब दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन सी गाड़ी है और क्या आप उसे कम जगह में खड़ी करने के लिए इस जुगाड़ को अपनाएंगे। साथियों कई बार कुछ लोग कहीं पर भी अपनी गाड़ी को पार्क कर देते हैं लेकिन हैंड ब्रेक लगाना भूल जाते हैं। ऐसे में गाड़ी खुद ब खुद आगे बढ़ना या फिर पीछे को जाना तो तय है। और ऐसे ही कुछ बेचारे इस डिलीवरी ड्राइवर के साथ हुआ जो इस घर में इनका पार्सल देने के लिए आया था और जनाब अपनी हैंड ब्रेक लगाना ही भूल गया। लेकिन दोस्तों घर के अंदर से रिंग डोरबेल की मदद से घर के मालिक ने अंदर से उनकी गाड़ी को आगे बढ़ते हुए देख लिया और फिर घर के मालिक ने उसे अंदर से ही आवाज लगा दी, जिसके चलते महाशय फिर गोली की रफ्तार से भागे। मगर बेचारे की फूटी किस्मत, जब तक वापस आए तो दोस्तों उसकी गाड़ी की एक हेडलाइट टूट चुकी थी। कांड दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट का है जहां पर एक कस्टमर की फ्लाइट आरटीपीसीआर टेस्ट के चलते मिस हो गई और इस आदमी की फ्लाइट छूट जाने की वजह थी वहां के स्टाफ मेंबर्स ने उसको उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं दी। और यही बात वहां के स्टाफ मेंबर और यहां तक कि फ्लोर मैनेजर को आदमी कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। सभी लोग बस अपना अपना ज्ञान झाड़ रहे थे और फिर आखिर में कहने लगे, भाई साहब इसका सलूशन तो हमारे पास नहीं है, ये आपको पर्सनल मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लो भाई मतलब अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो वो कंज्यूमर का पर्सनल प्रॉब्लम, ये कहां पर लागू होता है। और तो और दोस्तों आप एक और बात जानकर हैरान हो जाएंगे, इस आदमी ने टेस्ट करवाने के लिए 4500 रुपए खुद की जेब से दिए। अब इतना पैसा समय बर्बाद करने के बाद उस बेचारे के हाथ कुछ नहीं लगा और ये कर्मचारी कहने लगे, सर आपकी फ्लाइट डिले का हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा 6:30 का था ये और आपने रिपोर्ट लेट दी है, इसके वजह से मेरा फ्लाइट मिस हुआ। व्हाट डिड यू सेट यू नीड टू वेट फॉर अ 1 आवर एटलीस्ट 1 आवर, सो अगेन आई वेंट, सो इट वाज बीन डिलेड बाय हिम बाय प्रिंटिंग इशू। एक तो 4500 भी गया, फ्लाइट भी मिस हुई मेरी। ओके आपका प्रॉब्लम है अभी, ये मेरा प्रॉब्लम है। अब दोस्तों आप इस हाईवे पर होने वाली इस घटना पर ध्यान दीजिए। इस बड़े से ट्रक को देखकर पहले तो ये लगा कि शायद इस पर पीछे काफी गाड़ियां रखी हुई होंगी, लेकिन अरे भाई ये क्या, यहाँ तो सिर्फ एक छोटा सा बच्चों वाला डंप ट्रक खिलौना है। और दोस्तों ये देख कर केवल आप ही नहीं वीडियो बना रहे लोग भी काफी ज्यादा हैरान हो गए। इस फुटेज को देखकर आपको सबसे पहले ये एक साधारण सी वीडियो क्लिप लगेगी जहां पर एक स्पोर्ट्स इवेंट के बीच में कोकाटो पक्षी ग्राउंड में बैठे लोगों को एंटरटेन करने के लिए उनके पास जा रहा था। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये पक्षी कुछ पैसों के लिए किसी भी आदमी के पास जाता है, जैसे कि इन मोहतरमा के पास गया और इनसे पैसे लेकर बाद में उसने एक चिट्ठी जैसी छोटी सी पर्ची भी मोहतरमा को वापस दी। और इस पर्ची में दोस्तों इस लड़के ने जो लिखा था वो तो यही जाने, खैर भाई हमें तो ये प्रपोजल का तरीका बड़ा ही निराला लगा, ऐसे में ये लड़की भला कैसे मना कर सकती थी। तो मेरे प्यारे साथियों आज की वीडियो में बस इतने, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला भाग देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।